मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो मैं आज आपको ये बताने वाला था कि एज यूजुअल जब हम एवरी वीकेंड हम कहीं बाहर जाते हैं और कोई नया मॉल एक्सप्लोर करते हैं, बट दिस वीकेंड हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज़ है और जो ट्विन टावर्स वाला जो केस चल रहा है इस चक्कर में हम अवॉइड कर रहे हैं कि नोएडा में कहीं पर जाएँ। तो इसलिए हमने सोचा घर पर कुछ डिफरेंट करते हैं। तो आज मेरी वाइफ ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना वो बिरयानी बनाए और आप लोगों को दिखाए कि वो कैसे बनता है और उसके सारे स्टेप्स बताए। तो आज हमारे वीडियो के साथ आप बने रहो और आपको इंटरेस्टिंग ये कुकिंग स्किल आपको दिखने वाली है और आपको पता लगेगा, आप देखोगे बहुत अच्छा एक बिरयानी बना। टेस्ट तो नहीं करा पाएंगे बट आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट हम आपको सारा इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बिरयानी बनाने के लिए। बट उससे पहले मुझे अभी ऑर्डर मिला है कि जाके पुदीना लेके आना है, वो हमारे जस्ट सोसाइटी के नीचे ही है। तो मैं अभी जाऊंगा, वो तोड़ के लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। कीप वॉचिंग। सो गाइस, हमने ये अभी इसका हमें मसाला पीसना है, इसका मसाला बनाना है बिरयानी के लिए। तो ये आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सबसे पहले तो ये प्याज है, ये आधा किलो प्याज समझ लो, हाफ के जी। और ये तेज़पत्ता है थोड़ा सा, और ये अदरक है, और ये है मिर्च, और ये दो लहसुन जो होते हैं वो दो लहसुन से छिलके में बनाया हुआ है। और ये बिरयानी मसाला है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी ग्रॉसरी शॉप में आप जाके मांग लो, ये मिल जाएगा बिरयानी मसाला। सो हम इसको हल्का सा रोस्ट करके उसके बाद इसे पीसेंगे। तो हमने मिक्सी तैयार कर लिया, अब हम इसमें पीसेंगे मसाला। ये देखो, ये हमने मिक्सी में पीस लिया मसाला और ये ऐसा दिख रहा है। ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट हो गया है, उसके बाद हम ऑनियन फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसे ब्राउन फ्राई करना है, घी से फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को, ठीक है। सो गाइस, मैं पहले बता दूं कि ये ना नॉनवेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी। सो हमें इसमें अंडे भी डालने होते हैं और ये आलू भी डालते हैं। ये बेसिकली ये वेस्ट बंगाल साइड से बिलोंग करती है, तो उस साइड से उस हिसाब से बनाती है, तो वहाँ पे आलू भी डलता है। तो इसलिए ये चार आलू और चार अंडे हैं, और ये जो बिरयानी बन रहा है ये तीन से चार लोगों के लिए बन रहा है। तो अभी हम इसको उबालेंगे। अभी हमने कुकर में पानी डाला है और आलू और अंडा इसमें डाल देंगे बॉईल करने के लिए। थोड़ा सॉल्ट और फूड कलर, और एक सीटी आते ही इसे बंद कर देंगे। ये फूड कलर है, फूड कलर डाल रही हूँ। थोड़ा सा कलर इसका आलू का थोड़ा कलरफुल हो जाएगा, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसीलिए दो चम्मच भर के सॉल्ट डालिए। ये देखो, हम आपको किचन का व्यू दिखाएंगे कि किचन से बाहर ये कैसा दिखता है। हम खाना बनाते बनाते बाहर का भी व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। घी डालना है इसमें। क्यों डाल रहे हैं घी, मतलब इससे क्या करना है? इसे ऑनियन फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन क्रिस्पी होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा घी होना चाहिए, तभी बिल्कुल ये ब्राउन हो। तो लगभग मैंने 5-6 चम्मच डाल दिए। बहुत हेवी होने वाला है। हाफ मैंने बाद में डाल दिया।
क्या कर रहे हैं पहले अभी? अभी हम चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए ये पहले हम एक चम्मच, अभी हम फिलहाल एक से डेढ़ चम्मच नमक डालेंगे। ओके, देन हम डालेंगे, ये है हल्दी पाउडर, ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हाफ टी स्पून। ये बिरयानी मसाला जो मैंने बनाया था, हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड किया है मैंने, एक चम्मच, क्योंकि बाद में भी हमें डालना है, तो एक चम्मच डाल दें। और इसमें बस हम इसमें टी स्पून के लगभग हम रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, कोरिएंडर, धनिया एक चम्मच। इसमें हमने डाला है ऑलरेडी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, इसलिए हमने रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा कम डाला है, तो इसको हम दो चम्मच भर के डालेंगे। ये चिकन है 750 ग्राम्स फॉर थ्री पीपल। दही हम डाल रहे हैं 150 से 200 ग्राम डाल देंगे, क्योंकि 750 ग्राम है, काफ़ी है, तो हमें दही भी उस हिसाब से चाहिए। देन फ्राई ऑनियन, जो ये है देखो, ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, एकदम क्रिस्पी सा होना चाहिए, ये साउंड आना चाहिए क्रिस्पी सा, देख रहे हो? जब इसको हम तोड़े तो बिल्कुल ये टूट जाए, इसको हल्का सा क्रश करके इस पर अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। ये प्याज लगभग हो गया है 350 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, डाल देते हैं, इतना डाल दिया, उसको अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं। Make sure you wash your hand for doing this. मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, ठीक है? उसके बाद हम इसे एक घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दें, एक घंटे बाद से पकाएंगे, के बाद इसका हम लेयर बनाएंगे बिरयानी का, तो इसके लिए हमें एक घंटा छोड़ना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। जो मेरे पास भी था ना, जिससे मैंने ऑनियन फ्राई किया था, उसी में मैंने फ्राई कर लिया, फिर दूर रहना नहीं चाहिए। बॉयल एग और बॉयल पोटैटो था, उसको मैंने फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई कर लिया है। ये चावल बॉयल हो रहा है और इधर हमने सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा है, इसमें अभी चिकन बनेगा जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। ये अब जो चिकन है ये हम डाल रहे हैं, तेल गरम हो चुका है, मैरिनेटेड वाला चिकन। Thank you.
मतलब 15 से 20 मिनट तक इसे पकाना है। तो बाद हम बिरयानी का प्रोसेस शुरू करेंगे। कितने भी 20 मिनट लग जाएंगे आपको उसे पकाने में। ये भी चिकन बन रहा है, अच्छे से फ्राई करना है, अभी टाइम लगेगा। तब तक ये चावल देखते हैं, चावल ये पक चुका है। इसका जो ये जो मैंने जो भी डाला है ना, ये गरम मसाला वगैरह साबुत, ये अब हटा ही लो तो बेटर है, क्योंकि ये ना मुँह पे आएगा तो टेस्ट थोड़ा कड़वा सकता है। हटा लिया, इसको छान लेना है। ये 70-80% कुक हो चुका है। ये देखो बिल्कुल ऐसे लगेगा, ये पूरा कुक नहीं होना चाहिए, ये हल्का सा हार्ड होना चाहिए। इसको निकाल लेते हैं। ये हमने इसे छान लिया है, पानी जो इसका था इसका निकाल लिया है। अब ये ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स अब देखो, अब बिरयानी के ये देखो मैंने राइस बना लिया है, यहाँ पे चिकन भी तैयार है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ लेयर्स बनाना है। बहुत ही ध्यान से आपको लेयर्स बनाना है। सबसे पहले तो ये हम ये जो तेज पत्ता है मैंने वॉश करके रखा है, तो नीचे बिछा लेती हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे ट्रिक दिया था, ताकि नीचे में जो भी आपके चावल अगर डालते हो या फिर चिकन डालते हो वो नीचे पकड़े नहीं, जले नहीं वो, ठीक है। इस तरह से ये अच्छे से फैला देंगे। ओके, उसके बाद हम ये चिकन की लेयर डालेंगे। जितनी चाहे लेयर बना सकते हो, मैं तो मैं 2 लेयर बना रही हूँ। एक लेयर चिकन का डालो, सेकंड लेयर बाद में डालूंगी। चिकन डालेंगे, नहीं सॉरी कोरिएंडर, धनिया डाल दिया थोड़ा सा, पुदीना स्प्रेड कर दिया है। बिरयानी मसाला बिल्कुल 1/2 टीस्पून डालना है, अभी 1/2 से भी कम, 1/4 हाँ जो
बनाया था अभी वो डालना है। ये जो मैंने बॉयल पोटैटो ये इसके अंदर जगह डाल देना है, ये अच्छे से कुक्ड है, तो टेंशन की बात नहीं है। सजाने के लिए ये फूड कलर है तो बिल्कुल ज़्यादा लगा, ज़्यादा नहीं, पहले एक होल बना लो इसमें से डाल। ये कलर्ड हो जाएगा जब ये पक जाएगा, फिर कलर्ड हो जाएगा जो राइस से। ज़्यादा से येलो कलर डाल दिया, येलो कलर पहले रेड डाला अब येलो, जो आपके पास कलर वो डाल सकते हो। मेरे पास दोनों साधन डाल दिए, अब अगेन वही चीज फिर से होगा। फिर से वही पहला लेयर कर लिया, सेकेंड लेयर में ये राइस बचा है, बस ये डाल के सेम प्रोसेस होगा जैसे लास्ट टाइम जैसे किया मैंने। टेंशन मत लो, दो तीन चम्मच डाल सकते हो। चम्मच हाफ टी स्पून आप बिरयानी मसाला डाल दिया, ठीक है। ये केवड़ा वाटर है, ये इसमें भी डालना है। उसके बाद ये रोज़ वाटर है जो कि डालना है, और ये इत्र है मीठा, ये डालना है।
एक चम्मच ये डाल दिए, रोज़ वाटर, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। एक चम्मच केवड़ा डाल दूँगा, ज़्यादा नहीं, ये दो तीन ड्रॉप डाला मैंने देखो। इत्र, स्वीट इत्र। स्पेशली बिरयानी में डाला जाता है, ये एकदम होटल स्टाइल बनेगा आपका, दूर दूर तक खुशबू जाएगी। इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ओके। कवर करने के बाद इसको आटा लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल, या फिर दम पे बनाना है तो ये दम पे बनाने के लिए मुझे कम से कम इसे आधा घंटा लग जाएगा जस्ट। तो इसे इसमें जो आटा मैंने सान के रखा था, ये दम बिरयानी टाइप बनेगा इसलिए इसमें ये, अभी इसे दम पे बनाना है तो दम पे बनाने के लिए हम ये आटा, मैंने कुछ ये कर लिया है, आटा का डो जो होता है उसको करके इसको अच्छे से इसको साइड में करना ताकि ये स्टीम पे अच्छे से पके। ये इसका स्टीम इसी में रहना चाहिए, दम पे बनेगा ना तो इसको धीरे धीरे करके ऐसे करके बिल्कुल। अभी देखो ये मैंने अच्छे से इसको चिपका दिया है इस पर आटे को, है ना, ये ढक्कन अच्छे से बंद रहना चाहिए और इस पर बिल्कुल ये हवा बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और इसको हम आधा घंटा तक बिल्कुल सिम पे रखेंगे। अगर आपको जलने का डर रहे तो नीचे में एक तवा रख लो, तवा के ऊपर आप करोगे तो ये जलने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा, ये आराम से ये धीरे धीरे आधा घंटा 30 मिनट में आराम से बन जाएगा। मैंने ये तवा रख दिया है, ठीक है, तवे पे ही करती हूँ मैं जनरली, क्योंकि ये कभी कभी है नीचे थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है, तो ये ऐसे में आपका ये बिरयानी बिल्कुल सेफ रहेगा, जलने का कोई डर नहीं। और ये बिल्कुल 5 मिनट तेज पे रखो, उसके बाद ये सिम पे कर लेना है। ये देखो हमारे किचन से बाहर का नजारा, वाओ व्हाट अ क्राउड। ऑलमोस्ट ये 45 मिनट 32-45 मिनट लग गया था, मैंने बीच में एक बार चेक किया तो बना नहीं था, तो फिर मैंने और टोटल 45 मिनट्स में ये पका है। अब मैं इसे खोल के अंदर चेक करती हूँ। सो गाइज ये देखो ये बन चुका है पूरा बिरयानी, और ये खुलने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अभी देखते हैं, मैंने आटा वगैरह सारा हटा दिया, साफ कर दिया मैं से। अब ये बाहर से उतर के दिखाएगी ये कैसा दिख रहा है। लगा तो नहीं, नहीं, नहीं। बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है। सॉरी गाइस, स्मेल तो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, ये बैगन नहीं, अभी टेक्नोलॉजी इतना सच में ये हाई नहीं हुआ है, बट इट्स स्टनिंग। अच्छे से बना, और ये देखने में भी जितना अच्छा लग रहा है और नहीं वो मुझे खाने में भी, सबको खाने में भी अच्छा लगे, क्योंकि ये बिरयानी होती है ऐसी। सो ये गाइस देख लो ये बन के तैयार है। सो गाइस ये देखो ये बन के तैयार है, और ये इधर आलू है, और इधर एक अंडा है, और लेग पीस है, और ये देखो ऐसा टेक्सचर है इसका, बहुत ही बढ़िया, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, और मैंने टेस्ट किया ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था। इसको हम सैलड के साथ, खीरा और प्याज और बीट के साथ ये हम खाएंगे, और हमने पुदीने का चटनी बनाया था ये है, और फिर हम बाद में फल भी आएंगे। तो गाइस बताना आपको ये कैसा लगा वीडियो, और आपको रेसिपी का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वैसे हमने सारा कुछ डिटेल में आपको बताया ही है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो देखो और ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा लगा, और हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ देखने से नहीं होता, सब्सक्राइब भी करना होता है ताकि आपको नए नए वीडियोज़ आपको
देखने को मिला है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।